हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे केंद्र राज्य संबंध और पिछली क्लास में हमने विधायी संबंधों पर चर्चा शुरू किया था। आज हम उसी का पार्ट टू पढ़ेंगे, विधायी संबंध पार्ट टू। विधायी संबंधों में हमने तीन सबसे प्रमुख बातों पर डिस्कशन किया था। सबसे पहले हमने आर्टिकल 245 पे बात की, आर्टिकल 245, और हमने देखा कि किस प्रकार से संसद के कानून पूरे देश में लागू होते हैं और उसको देश के बाहर रहने वाले नागरिकों के लिए भी, भारतीय नागरिकों के लिए भी कानून बनाने का अधिकार है। ये चीज़ हमने देखी और हमने देखा कि विधानमंडल के जो कानून हैं वो प्रांत के क्षेत्र में लागू होते हैं और कुछ अपवाद में वो दूसरे प्रांत में भी लागू हो सकते हैं। आर्टिकल 245 पे हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया आर्टिकल 246 पे और हमने देखा कि किस प्रकार से केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है और उन विभाजन को अनुसूची 7 में, 7वीं अनुसूची में रखा गया है। वहाँ पर तीन अनुसूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई, जिसके विषय में हमने डिटेल में देखा कि किस पर कौन कानून बना सकता है। और उसके बाद हमने एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल पर बात किया था, आर्टिकल 248 पे, और हमने देखा कि किस प्रकार से वे सभी विषय जो किसी भी अनुसूची में नहीं रखे गए हैं, जिनको रेजिडुअल सब्जेक्ट यानी अवशिष्ट विषय कहा जाता है, उन पर कानून बनाने की शक्ति भारत में संसद को दी गई है यानी संघ को दी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया था कि क्षेत्र के आधार पर और विषय के आधार पर शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वह कौन सी परिस्थितियाँ हैं जब संसद को ये अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सके। वैसे सामान्य दिनों में आप देखते हो कि संसद को संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार है और समवर्ती सूची पर। इसी प्रकार से विधानमंडल को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है और समवर्ती सूची पर। लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ हैं, जो कि 5 परिस्थितियाँ हैं, उनमें संसद को ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। तो उस पर हम आज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है उसकी हेडिंग है संसद की राज्य सूची के विषयों पर अधिकारिता, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता, कानून बनाने की अधिकारिता। ये विधायी संबंध में ही आता है। इसको कंप्लीट करने के बाद में हम जो है प्रशासनिक संबंधों की तरफ बढ़ेंगे। आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे, विधायी संबंध को। संसद की राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता, जैसा कि इसको पढ़ने से ही स्पष्ट होता है कि संसद को कुछ ऐसा अधिकार मिल जाएगा कि वो राज्य सूची के विषयों पर, जिस पर नॉर्मल डेज में विधानमंडल कानून बनाता है, उस पर संसद कानून बनाने की पावर अक्वायर कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। और ये परिस्थिति जब आती है तो उस समय भारत का संविधान एकात्मक संविधान की तरह लक्षण प्रकट करता है। कभी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि भारत में जो संविधान है उसको कुछ विशेषज्ञ लोग कहते हैं कि वो पूरी तरीके से संघात्मक नहीं है, यानी जो दो सरकार वाली व्यवस्था है, शक्तियों का बंटवारा है, ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। क्योंकि भारत में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब एक ही सरकार के पास में सारी शक्तियाँ पहुँच जाती हैं, या आप इस प्रकार कह लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, संघ सरकार। तो ऐसे में तमाम विशेषज्ञों ने भारत के संविधान को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे केसी हेयर एक संविधानों के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भारत के संविधान को कहा है कि क्वासाई फेडरल है यानी अर्ध संघात्मक है। इसी प्रकार से किसी ने सहकारी संघवाद, कई नाम दिए हैं, इस पर हम पीछे एक चैप्टर भी कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हमारे दो टॉपिक डिस्कस हो जाएंगे। एक तो विधायी संबंधों में आप देखोगे किस प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच में ये भी संबंध है कि संसद को पावर हो जाती है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की, एक पहलू ये होगा जिसके नज़रिए से हम पढ़ेंगे। दूसरा, एक आप ये भी चीज़ जान पाएंगे कि वह कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब भारत का संविधान एकात्मक यानी यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में व्यवहार करने लगता है, अर्थात एक संघ सरकार, ज़्यादा मजबूत सरकार के रूप में उभर करके आ जाती है।
तो ऐसी पांच परिस्थितियां वर्णित हैं, पांच परिस्थितियां। तो आप लिखेंगे पांच परिस्थितियां हैं, पांच परिस्थितियों में वो पांच परिस्थितियां कौन सी हैं, वो अलग अलग आर्टिकल में हैं। सबसे पहले हम जो आपको बताएंगे वो है आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में क्या सिचुएशन बताई गई है, देखिए आपको पता है कि हमारे संसद में, हमारी संसद में दो सदन हैं, जो उच्च सदन है वो राज्यों का सदन है, उसको कहते हैं राज्यसभा। अगर राज्यसभा, ऐसी शक्ति लोकसभा के पास नहीं है, यहाँ राज्यसभा की मैं बात कर रहा हूँ, संसद का उच्च सदन। अगर राज्यसभा ऐसा समझे कि कोई मसला, कोई मामला राष्ट्रीय महत्व का है और राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दे कि संसद को उक्त राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना चाहिए, तो फिर संसद को ये अधिकार मिल जाता है कि वह उस विषय पर कानून बना सकता है। ऐसा प्रावधान आर्टिकल 249 में किया गया है। देखिए नॉर्मल परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर संसद का हस्तक्षेप नहीं रहता है, लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो यह संसद को पावर दे सकती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर किसको पावर है, राज्यसभा को। राज्यसभा जो संसद का ही एक उच्च सदन है, राज्यसभा यदि उपस्थित एवं मतदान, वोट डालने वाले प्रेजेंट और जो वोटिंग कर रहे हैं सदस्य उनकी बात की जा रही, राज्यसभा यदि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के, करने वाले सदस्यों, राज्यसभा में जो सदस्य हैं जितने उस दिन उपस्थित हों और उनमें से जितने वोट डालें उनका 2/3 सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित करें तो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। अब देखिए इसमें कुछ बारीकियां हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर विधानमंडल को हक होता है कानून बनाने का सामान्य परिस्थितियों में, लेकिन अगर राज्यसभा को कभी ऐसा महसूस हो कि राष्ट्रहित में ऐसा करना ज़रूरी है तो फिर वो 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर देगी, तो फिर संसद को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकेगा। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि ये राज्यसभा में किया जाएगा, लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव नहीं पारित किया जा सकता है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये कितने दिन तक परमिशन वैलिड रहेगी, क्या राज्यसभा एक बार इस तरह का प्रस्ताव पारित कर देगी तो हमेशा हमेशा के लिए संसद को पावर मिल जाएगा, नहीं, यह एक बार में एक वर्ष के लिए वैलिड होता है और बाद में इसे एक वर्ष करके अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। तो यह शक्ति कितने समय के लिए रहेगी, इसको नोट करेंगे, यह शक्ति एक वर्ष के लिए होगी। एक वर्ष तक संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, और आगे ब्रैकेट में लिखेंगे कि एक वर्ष करके इसे बढ़ा सकते हैं। कितनी बार भी बढ़ा सकते हैं, कोई निश्चित सीमा नहीं है कि एक बार बढ़ा सकते हैं, दो बार बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है, अनिश्चित काल तक इसको बार बार अगर ऐसी परिस्थितियाँ हैं तो बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि क्या ऐसे में विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाएगी, नहीं, इसमें ये गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर विधानमंडल की शक्तियाँ बनी रहेंगी और विधानमंडल भी उसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति को रखेगा, यानी यहाँ पर विधानमंडल से कानून बनाने की शक्ति को छीना नहीं जा रहा है और ना ही उसकी शक्ति समाप्त की जा रही है, बस इतना किया जा रहा है
कि राज्य सूची के विषयों पर संसद को भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया जा रहा है। तो एक पॉइंट आप और यहाँ पर नोट करेंगे कि इसमें राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्ति बनी रहती है, यानी कि राज्य का विधानमंडल भी उसी टॉपिक पे कानून बना सकता है और टकराव होने की स्थिति में बाद की व्यवस्था लागू रहेगी। तो ये है आर्टिकल 249। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। पहले सामान्य परिस्थिति में आपको पता ही है कि राज्य सूची पर राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है, संघ सूची पर संघ कानून बनाता है, लेकिन यदि राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद को राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है और यह एक वर्ष तक वैलिड रहता है और एक वर्ष करके इसको कई बार बढ़ा सकते हैं, अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं। और गौर करने वाली बात है कि ऐसे में विधानमंडल की पावर्स ख़त्म नहीं होती हैं, वह भी साथ में कानून बना सकते हैं। तो ये एक परिस्थिति हो गई है, हमने 5 परिस्थितियों की बात की थी। तो इसके बाद वाला आर्टिकल है आर्टिकल 250। देखिए आर्टिकल 250 क्या कहता है। आर्टिकल 250 बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने आपातकाल के विषय में पूरा चैप्टर पीछे पढ़ा हुआ है, डिटेल में मैंने उसे समझाया था। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के तहत की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत की जाती है। उसमें अलग अलग परिस्थितियां हैं, हमने आपको बताया था कि 3 परिस्थितियां होती हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, यानी देश में आर्टिकल 352 लागू किया जा सकता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। जब देश में नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो हमने एक चीज़ की चर्चा की थी कि उस समय संसद को यह पावर मिल जाता है कि वह राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सके। तो यह पावर उसे किस आर्टिकल के तहत मिलता है? वो आर्टिकल है 250। यहाँ पर थोड़ा सा भ्रम में न पड़िएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल किस परिस्थिति में लगाया जाता है, किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा 352। राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संघ को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, यह किस आर्टिकल में है, तो आपका उत्तर होगा आर्टिकल 250। इसी तरीके से मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं कि जब देश में आर्टिकल 352 लागू होता है, यानी नेशनल इमरजेंसी लागू होती है, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन किस आर्टिकल में दिया गया है? किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है या अपने आप हो जाता है? इसका उत्तर दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर पीछे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं। ये 250 आर्टिकल जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल में संसद की पावर्स के संदर्भ में है। आर्टिकल 250 कहता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, जब राष्ट्रीय आपातकाल, और इसको ब्रैकेट में लिख लें कि आर्टिकल 352 की बात की जा रही है, आर्टिकल 352 लागू हो, जब राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लागू हो, तब संसद को यह अधिकार है, तब संसद को राज्य सूची के विषयों पर, स्टेट लिस्ट पर, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। वो चाहे तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। अब यहाँ भी वही प्रश्न आएगा कि इस प्रकार के कानून कब तक वैलिड रहते हैं? क्या हमेशा के लिए रहते हैं? एक बार कानून जो बन गया, क्या वो अनिश्चित काल तक हमेशा के लिए कानून बन जाता है, या आपातकाल के ख़त्म हो जाने पर कानून भी ख़त्म हो जाता है? ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में ये आप समझें कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, उस समय संसद अगर राज्य सूची के विषय पर कानून बना देती है, संसद
राज्य सूची के विषय पर कानून बना देती है तो वह कानून आपातकाल के ख़त्म होने के 6 महीने बाद तक वैलिड रहेगा और उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ये भी नोट कर लें कि ऐसे कानून जो इस तरह से बनाए जाएंगे आपातकाल में, जो संसद बनाएगी राष्ट्रीय आपातकाल के समय में राज्य सूची के विषय पर, ऐसा नहीं है कि वो अपने किसी विषय पर कानून बना रही संघ सूची पे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, वो नहीं। जो संसद राज्य सूची के विषयों पर नेशनल इमरजेंसी के दौरान कानून बनाएगी, ऐसे कानून आपातकाल के बाद में, आपातकाल समाप्ति के बाद 6 माह तक मान्य रहेंगे, 6 माह तक वैध रहेंगे, वैलिड रहेंगे, इसके बाद वो समाप्त हो जाएंगे। तो एक प्रश्न ये बन सकता है। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि क्या ऐसा, अभी जैसे पहले हमने 349 में बात की थी कि संसद को पावर मिल गई थी लेकिन राज्य के विधानमंडलों की पावर समाप्त नहीं हुई थी, तो क्या यहाँ पर राज्य के विधानमंडल की जो कानून बनाने की शक्ति है वो समाप्त हो जाती है? तो नहीं, यहाँ भी राज्य के विधानमंडलों की जो कानून बनाने की शक्ति है वो निलंबित नहीं होती है। तो यहाँ भी आप लिखेंगे कि राज्य के विधानमंडलों की विधायी शक्ति, विधि बनाने की शक्ति को विधायी शक्ति कहते हैं, लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति निलंबित नहीं होती है। यानी कि वो भी समांतर में कानून बना सकते हैं लेकिन कौन सा कानून प्रभावी रहेगा? अगर राज्य का विधानमंडल भी कानून बना दे, संसद भी कानून बना दे, तो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे संसद का कानून प्रभावी रहेगा। लेकिन टकराव की स्थिति में, यानी जब एक ही जैसा कानून बना देंगे, टकराव में संसद का कानून मान्य होगा, संसद का कानून प्रभावी होगा। तो आशा है ये आर्टिकल 250 भी बहुत ईजी है। 249 में तो इमरजेंसी की बात नहीं की गई थी, वहाँ राज्यसभा ने पावर दिया था संसद को, और यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल ने पावर दिया है। आपातकाल में संसद को पावर मिल गई और 6 महीने तक, आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक वो कानून वैलिड रहेंगे और विधानमंडलों की भी शक्ति बरकरार रहती है। ऐसे में दोनों में, चाहे इसके पहले वाली व्यवस्था में ले और चाहे इसमें, दोनों में भी बरकरार रहती है। तो एक ये परिस्थिति है राष्ट्रीय आपातकाल की। अब इसके बाद में एक और परिस्थिति पे हम बात करेंगे, तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है जब संसद कानून बना सके राज्यसभा के, राज्य सूची के विषय पर। तो देखिए अगली परिस्थिति कौन सी हो सकती है, 5 टोटल परिस्थितियाँ हैं। तीसरी परिस्थिति क्या है, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर देश के 2 या 2 से अधिक राज्य, कम से कम 2 होना ज़रूरी है, 1 से नहीं काम चलेगा, कम से कम 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य अपने अपने विधानमंडल में एक प्रस्ताव पारित कर दें कि राज्य सूची के इस विषय पर संसद हमारे लिए कानून बनाए। जैसे कि कभी मान लिया उत्तर प्रदेश एक राज्य है, मध्य प्रदेश एक राज्य है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लगता है कि राज्य सूची में ये जो विषय है इस पर हम कानून नहीं बनाना चाहते हैं, संसद हमारे लिए कानून बना दे जो ठीक समझे। तो उत्तर प्रदेश ने ऐसा ही किया, मध्य प्रदेश ने ऐसा किया, तो 2 राज्य हो गए कम से कम। तो अगर 2 राज्य हो जाएँ या 2 से अधिक हो जाएँ और ऐसा प्रस्ताव वो पारित कर दे राज्य सूची के किसी पार्टिकुलर विषय के लिए, सभी विषयों के लिए नहीं, जितने विषय अलाउ करना चाहे वो, तो फिर संसद को पावर मिल जाती है कि उस विषय पर उन्हीं 2 राज्यों के लिए या जितने राज्यों ने किया है ऐसा, उनके लिए कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि क्या अगर राज्य सूची के किसी विषय पर संसद ने ऐसे में कानून बना दिया तो क्या वो सभी के सभी राज्यों पर लागू हो जाएगा या फिर उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने परमिशन दी है? यह सिर्फ उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने संसद से ऐसा अनुग्रह या रिक्वेस्ट किया था। तो ये आर्टिकल 252 में है, ये है आर्टिकल 252। तो आर्टिकल 252 में कहा गया है राज्यों के अनुग्रह पर, राज्यों के अनुरोध पर
संसद को ऐसी शक्ति मिल सकती है। कितने राज्य कम से कम अनुरोध करें? कम से कम दो राज्य। तो इसमें लिखेंगे यदि दो या दो से अधिक, कम से कम दो होने चाहिए, दो या दो से अधिक राज्य ऐसा संकल्प पारित करें, ऐसा प्रस्ताव पारित करें कि संसद उनके लिए राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के किसी विषय पर, किसी विषय पर कानून बनाए, कानून बनाए। तो ऐसे में संसद को ये पावर मिल जाती है कि राज्य सूची के उसी पार्टिकुलर विषय के लिए और उन्हीं राज्यों के लिए वो कानून बना सकती है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि ऐसी संसद को पावर मिली कैसे। ये मिली है राज्यों के ही खुद अनुरोध करने पर, यानी खुद राज्यों ने ही कहा कि संसद महोदय आप हमारे लिए कानून बना दीजिए, हमारे इस टॉपिक पे हम नहीं बनाना चाहते। तो फिर ऐसे में संसद को पावर मिल गई। अब इसमें दो विशेष बातें हैं, वो आप जानें कि इसमें पहली बात ये है कि यह कानून क्या सभी राज्यों में लागू होगा या सिर्फ उन्हीं दो राज्यों में या दो तीन जितने ने कहा है उसी में लागू होगा। तो आप लिखेंगे कि संसद का ऐसा कानून जो इस तरह से बनाया जाएगा उन्हीं राज्यों में लागू होगा जिन्होंने अनुरोध किया था, अनुरोध या अनुग्रह किया था। अब एक प्रश्न और उठता है कि क्या बाद में कोई दूसरा राज्य भी इसमें ज्वाइन हो सकता है? मान लेते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने अनुग्रह किया था, बाद में बिहार को भी लगा कि हाँ ये तो अच्छी बात है और यही कानून मैं भी अपने वहाँ लागू कर लूँ, तो क्या बाद में बिहार भी उसमें ज्वाइन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। बाद में अगर कोई राज्य चाहे उस कानून को अपने वहाँ लागू करने के लिए, तो फिर अपने विधानमंडल में उसको उसी तरह एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और उसी कानून को अपने वहाँ भी लागू करा सकता है। तो आप अगला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे कि बाद में कोई अन्य राज्य भी अपने विधानमंडल में प्रस्ताव पारित करके उसी कानून को लागू कर सकता है। अब आता है मेन प्रश्न। जैसे पिछली दो परिस्थितियों में आपने देखा था कि जब जब संसद को पावर मिली उस समय राज्यों की पावर बनी रही थी, यानी संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का हक मिल गया, लेकिन राज्य के विधानमंडलों का हक छीना नहीं, वो भी कानून बना सकते थे, संसद भी बना सकती थी। लेकिन इस परिस्थिति में राज्य का कानून बनाने का अधिकार समाप्त हो जाएगा, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश ने और मध्य प्रदेश ने और बिहार ने रिक्वेस्ट किया कि इस टॉपिक पे संसद मेरे लिए कानून बनाए, तो फिर उस तारीख से संसद उस टॉपिक पे कानून बनाएगी, राज्य उस टॉपिक पे कानून बनाने का अधिकार खो देंगे। तो यहाँ पर एक विशेष बात है कि ऐसी परिस्थिति में जितने राज्य ऐसा प्रस्ताव पारित करेंगे वह उस विषय पर कानून बनाने के अधिकारी नहीं रह जाएंगे, और ना ही जो कानून बनेगा उसमें संशोधन, निरसन या समाप्त करना या परिवर्तन करना कुछ भी करना होगा, वो सब संसद ही करेगी। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट ये भी नोट कर लें कि ऐसे में प्रस्ताव करने वाले राज्यों की विधाई उस विषय पर विधाई शक्ति समाप्त हो जाती है, एक प्रकार से समर्पण करने वाला बात है हो जाती है, यानी कि उस विषय को समर्पित कर दिया है संसद को। क्या कभी ऐसे कानून बनाए गए हैं? तो
एक उदाहरण आप लिख लें, कई हैं वैसे, एक उदाहरण आप लिख लें। इस तरह के कानून का एक उदाहरण है, देखिए इस तरह से जो कानून बनाए गए हैं उसमें एक है पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, एक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये सब राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून हैं और संसद के द्वारा बनाए गए हैं इस प्रक्रिया का पालन करके राज्यों के अनुरोध पर। और देखिए नगर भूमि अधिनियम, ऊपरी सीमा तय करने वाला जो है, भूमि राज्य सूची का विषय है नगर भूमि अधिनियम, अब तो वन समूर्ति सूची में आ गया है नगर भूमि अधिनियम। और देखिए मानव अंग प्रत्यारोपण स्वास्थ्य का मामला है अधिनियम। ये सब अधिनियम जो बनाए गए हैं, पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, नगर भूमि ऊपरी सीमा तय करने वाला अधिनियम, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, तो ये सब अधिनियम जो है वो उस समय तत्काल में राज्य सूची के विषयों पर हैं और अब इन पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास में है, क्योंकि राज्यों ने स्वयं अनुरोध किया था कि इस पर संसद कानून बनाए। तो अब इन अधिनियमों का संशोधन, निरसन, परिवर्तन जो भी करना होगा वो संसद ही करेगी और इन टॉपिक पर अब राज्यों के पास में कानून बनाने की शक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ बताया कि ऐसे में जो है राज्यों के उस विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। तो एक ये परिस्थिति हो गई, तीन हमने पढ़ लिया, दो परिस्थितियाँ और हैं। एक कौन सी हैं, एक परिस्थिति जो इसके बाद में है वो आर्टिकल 253 में है। क्या है 253? 253 कहता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संधियां एवं समझौते, देखिए विदेश नीति जो है संघ सरकार के अंतर्गत आती है, जैसे हमने बताया था कि विदेशी मामले जो हैं वो संघ सूची में हैं, तो विदेश नीति संघ सरकार देखती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जो है संपर्क स्थापित करना, तो ये सब संघ सरकार का काम है, तो वो अलग अलग देशों से तमाम अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी करती हैं, उन संधियों को देश में लागू भी करना पड़ता है, तो संघ सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो ऐसे में कभी कोई परिस्थिति आ सकती है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को या अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपने देश में लागू करने के लिए कोई राज्य का कानून या राज्य सूची का विषय आड़े आ जाए, हो सकता है कभी ऐसा कोई मुद्दा आ जाए जिसमें राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय किसी संधि को लागू करना है, तो ऐसे में संसद को ये पावर मिल जाती है कि राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना दे, क्योंकि उस पर कानून बनाना ज़रूरी है। जब तक उस पर कानून नहीं बनाएगी तब तक हम अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते को देश में लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो चूंकि लागू करना ज़रूरी है और ये संघ सरकार का जिम्मेदारी है, इसीलिए वह राज्य सूची के कानून, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है उस समय, और ये आर्टिकल 253 के तहत होता है। तो ये अगली परिस्थिति है, चौथी, वो है आर्टिकल 253। इसको आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते लागू करने के लिए, लागू करने के लिए यदि आवश्यक हो, यानी इनको लागू करने के लिए यदि आवश्यकता पड़ जाए, यदि आवश्यक हो तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आप इस चीज़ को आसानी से समझ गए होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, इनको अगर लागू करने में कोई दिक्कत आ रही है तो अगर संसद को लगे
कि किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बना करके उस दिक्कत को दूर किया जा सकता है, तो संसद को ये पावर मिलती है आर्टिकल 253 के तहत, और वो कानून बना सकता है। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं, कुछ कानून हैं जो बनाए गए हैं इस तरह से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा अधिनियम, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा अधिनियम ये बनाया गया, जैसे जिनेवा समझौता अधिनियम, जिनेवा समझौता अधिनियम। तो ये सभी राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए गए जो संसद के द्वारा बनाए गए हैं इसी कारण से, संधियां एवं समझौते लागू करने के लिए। तो आर्टिकल 253। अब एक पांचवी परिस्थिति जो बहुत ईजी है, जिसको आप पढ़ भी चुके हैं पीछे, डिटेल में भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, इस पर पूरा एक चैप्टर हमने कर रखा है, राष्ट्रपति शासन, यानी जिसको कहते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता। अगर किसी प्रदेश में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है आर्टिकल 356 के तहत। तो अगर आर्टिकल 356 किसी प्रदेश में लागू होता है तो ऐसे में जो है संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत ईजी है, इसको डिटेल में पूरा चैप्टर में पीछे पढ़ा चुका हूँ, उसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ आप एक इसका लिख लीजिए कि ये परिस्थिति कब हो सकती है आर्टिकल 356 लागू होने पर, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन यानी संवैधानिक तंत्र की विफलता जब घोषित हो, संवैधानिक तंत्र की विफलता के समय भी संसद को ये पावर मिल जाती है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, के समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। अब एक चीज़ यहाँ गौर करने वाली है कि ये कानून कब तक लागू रहेंगे। जैसे आपातकाल वाले पॉइंट में आपने लिखा था कि जब आपातकाल समाप्त होता है तो 6 महीने बाद वो कानून भी समाप्त हो जाता है। जब राष्ट्रपति शासन समाप्त होगा तो क्या 6 महीने बाद कानून भी समाप्त हो जाएंगे? नहीं, इस प्रक्रिया में यानी राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद जो कानून बना देती है राज्य सूची के विषय पर, वो टेम्परेरी नहीं होते हैं, वो परमानेंट होते हैं और वो आगे भी लागू होते हैं राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के बाद में भी। हालांकि बाद में जब राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है उसके बाद विधानमंडल चाहे तो उस कानून को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, या उसमें संशोधन कर सकती है, या जो भी करना चाहे, स्थगित करना चाहे कर सकती है। लेकिन अगर उस राज्य के विधानमंडल ने ऐसा कुछ नहीं किया तो वो कानून अनवरत लगातार चलता रहेगा। ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, हालांकि इस चैप्टर में मैंने डिटेल में पढ़ाया भी हुआ है। क्या नोट करेंगे आप? यहाँ पर लिखेंगे कि ऐसे में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद जो कानून बनाती है वह राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद में भी तब तक लागू रहता है जब तक कि उस प्रदेश का विधानमंडल उसको समाप्त करने का प्रस्ताव या परिवर्तित करने का यानी संशोधित करने का प्रस्ताव पारित ना करे, तब तक लागू रहता है वो, इसमें कोई समय सीमा नहीं है। तो ये 5 अलग अलग परिस्थितियां हमने आपको बताई जब संसद को ये पावर मिल जाती है कि वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सके। अब इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि इन परिस्थितियों में हमको संविधान का कौन सा स्वरूप दिखाई पड़ता है, क्या हमें संघात्मक संविधान दिखाई पड़ता है या एकात्मक दिखाई पड़ता है? आप बताएं हमें कि ऐसे में क्या हमें संघात्मक व्यवस्था दिखाई पड़ती है या एकात्मक फेडरल सिस्टम दिखाई पड़ता है या यूनिटरी सिस्टम दिखाई पड़ता है, या आप कह सकते हो कि अमेरिका भारत का सिस्टम दिखाई पड़ता है या ब्रिटेन का सिस्टम दिखाई पड़ता है एकात्मक। तो आप निश्चित तौर से इन 5 उदाहरण को देखने के बाद कह सकते हो कि भारत में इन परिस्थितियों में हमें एकात्मक संविधान के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकारों की शक्तियाँ लगभग
बहुत कम हो जाती हैं और केंद्र सरकार के पास में ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं कि वो पूरे देश पर एक शासक बन जाता है। तो ऐसे में संविधान एकात्मक हो जाता है। इसीलिए भारत के संविधान के संदर्भ में कहा गया कि भारत का संविधान है तो संघात्मक, लेकिन विषम परिस्थितियों में वो एकात्मक हो जाता है। और इसीलिए भारत का संविधान, कोई कोई विचारक जो है अर्ध संघात्मक या सहकारी संघवाद, इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो आशा है इस तरह के प्रश्नों को आप हैंडल कर ले जाएंगे और आसानी से उत्तर आप लिख ले जाएंगे। अब इसके दूसरे पहलू पे आते हैं कि संसद जो है कुछ नियंत्रण भी रखता है सामान्य परिस्थितियों में, राज्य के विधानमंडल पर कानून बनाने पर कुछ अंकुश रखता है, कुछ नियंत्रण रखता है, उसकी बात हम कर लें। ये तो शक्ति प्राप्त करता है वो। अब जो हमारी अगली हेडिंग है, देखिए हेडिंग है विधानमंडल यानी राज्यों पर, विधानमंडल पर संसद का नियंत्रण, संसद का नियंत्रण। विधानमंडल के पास में जो विधायी शक्ति है, कानून बनाने की शक्ति है, उस पर तीन अंकुश भी संसद लगाता है, तीन प्रकार से नियंत्रण भी करता है। वो तीन नियंत्रण क्या हैं? पहला, राज्यपाल के पास में, राज्यपाल जैसे सेंटर का ही एक प्रकार से प्रतिनिधि है, राज्यपाल के पास में आर्टिकल 200 के तहत एक पावर होती है कि वो राज्य विधानमंडल के विधेयक को राष्ट्रपति के पास में अनुमति के लिए भेज सकता है। तो एक प्रकार से संसद का नियंत्रण है विधि बनाने पर। तो पहला जो है वो राज्यपाल के थ्रू है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक को जिसे वो ज़रूरी समझे, विधेयक को आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के पास में परमिशन के लिए भेज सकता है, कि इसकी भेज सकता है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने का तात्पर्य यह है कि है तो वो राज्य विधानमंडल का विधेयक, राज्यपाल अगर उस पर हस्ताक्षर कर दे तो कानून बन जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति के पास में वो भेजता है अनुमति के लिए, और जब राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देते हैं, यस करते हैं, तब जा करके वो कानून बनता है। इसका मतलब ये है कि राज्य के विधानमंडल का कानून बनाने की जो शक्ति है उस पर संसद का भी नियंत्रण है राष्ट्रपति के माध्यम से। तो एक ये नियंत्रण है। दूसरा नियंत्रण क्या है? दूसरा नियंत्रण ये है कि कुछ ऐसे विधेयक हैं जो रखे तो राज्य विधानमंडल में जाते हैं, लेकिन उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना ज़रूरी है। कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं, कुछ ऐसे मामले हैं, तो आप एक पॉइंट ये लिखें कि कुछ विधेयक राज्य विधानमंडल में रखे तो राज्य विधानमंडल में जाएंगे, क्योंकि राज्य सूची पे हैं वो, राज्य विधानमंडल में रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। पहले यहाँ भी लिख दिया, बात वही हो गई, चलो पूर्व ना लिखें, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। जैसे कौन सा आप उदाहरण दे सकते हैं? जैसे व्यापार एवं वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, हिंदी में लिखेंगे वाणिज्य कॉमर्स को, व्यापार एवं वाणिज्य यानी ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाना। अगर व्यापार एवं वाणिज्य पर कोई प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई विधेयक है तो मामला तो ये राज्य सूची का है, तो राज्य के विधानमंडल में रखा जाएगा, लेकिन इस प्रकार का अगर कोई मामला है तो उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक ये भी जो है नियंत्रण है। और तीसरा नियंत्रण जो संसद के द्वारा रखा जाता है वो ये है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल, जब वित्तीय राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो यानी वित्तीय आपातकाल, तो ऐसे में राष्ट्रपति जो है वो राज्य विधानमंडलों के धन विधेयकों को, वित्त विधेयकों को सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। तो आप लिखेंगे वित्तीय आपातकाल के समय,
वित्तीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति राज्य के वित्त एवं धन विधेयकों को सुरक्षित करने का निर्देश दे सकता है। दे सकते हैं लिखिए, चाहे दे सकता है, पद के लिए लिखेंगे तो दे सकता है और व्यक्ति के लिए दे सकते हैं। तो ये अगर वित्तीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति के पास में ऐसी पावर है कि वो राज्य के विधानमंडलों के जो धन और वित्त विधेयक हैं पैसे से मामले से, उनको सुरक्षित करने का निर्देश दे सकता है, क्योंकि वो वित्तीय आपातकाल के समय है, पैसा बचाने की ज़रूरत है। तो ये तीन ऐसे बिंदु हैं जिससे संसद जो है वो राज्य के विधानमंडलों पर, उनकी विधि बनाने की शक्ति पर नियंत्रण रखता है। तो इस टॉपिक में हमने जाना कि विधायी जो संबंध हैं, दो क्लासेस हमने की, पार्ट वन और पार्ट टू। इसमें टोटल हमने केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी रिलेशन है, जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है, उस पर डिस्कशन कर लिया है। अब अगले चैप्टर में हम प्रशासनिक पढ़ेंगे और फिर हम वित्तीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।